कोसीकलाई में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। करीब सुबह 9 बजे दिल्ली गेट ईदगाह पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई, जहां सभी राजनेता एवं सामाजिक लोगों ने पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा की दृष्टि से SPRACO छाता थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। रमजान का महीना पूरा होते ही शनिवार को ईद मनाई गई, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद पर पहुंचकर सामूहिक नमाज अदा की। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। SPRACO छाता गौरव त्रिपाठी थाना प्रभारी अनुज राणा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी रामहरि यदुवंशी ने ईद पर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के अवसर पर रामहरि यदुवंशी ने कहा कि ईद के अवसर पर गले मिलने से भाईचारा और बढ़ता है एवं साथ मिलकर त्यौहार मनाने का आनंद अलग ही होता है। वहीं धर्मवीर अग्रवाल ने अपने कहा कि मुस्लिम हमारे परिवार हैं और अपने साथ गले मिलकर त्यौहारों का आनंद और बढ़ जाता है। गौरव त्रिपाठी ने बताया कि कोसी कला में शांति और सौहार्द के बीच नमाज संपन्न हुई, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से आला अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स अपनी नज़र बनाए हुए थे। जानकारी देते हुए CO छाता एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जानकारी दी। इसके अतिरिक्त गांव साहपुर नगला उठावर बड़ौली चार जगहों पर नमाज अदा की गई। सभी जगह नमाज से पूरा संपूर्ण हुआ है। सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहाँ कहाँ की सर फोर्स उसमें लगाई गई? इसमें थाना कोसी के इलाके फोर्स है रूप से और मुख्यालय पर जो फोर्स रहती है वहाँ की फोर्स। ईद का त्यौहार है, ईद बहुत ही अमन और सुकून के साथ में मनाई गई है। कोसी कला में त्यौहार ईद का बड़ी शांति के साथ में मनाया गया, जिसमें सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। शासन और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, समाज का अच्छा सहयोग रहा और सभी पत्रकार भाइयों का भी अच्छा सहयोग रहा। इसी तरीके से सुकून के साथ में अगर सारे त्यौहार मनाए जाए तो खुशी का अलग ही माहौल नजर आएगा पूरे देश में। जी, तो क्या कहना चाहते हैं मतलब तो इस समय पे यही संदेश देना चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं सारे मिलजुल के आपस में भाईचारे प्रेम मोहब्बत और अखलाक के साथ में रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यही चीज़ है जो आदमी के एक दूसरे से जोड़ती है। जो आदमी जुड़ जाता है वो समझो सबसे जुड़ गया और जो एक बार बिछड़ गया वो सबसे बिछड़ गया। समाज में जुड़ने का एक सीधा परम और खास मैसेज जो मेरी तरफ से और सभी मेरे भाइयों की तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से पत्रकार भाइयों की तरफ से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद जय भारत।